Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching this video. And yeah, I'm back with my another vlog. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉग करना शुरू कर दूँ ऑफिस जाने से पहले, बट नहीं हो पाता कभी कभी. एंड जब कभी कभी मन कर जाता है तब कर लेती हूँ. अभी मैंने ट्राई करने की पूरी सोच रही हूँ कि डेली ब्लॉग आ सके, हर दिन अपलोड कर सकूँ. एंड या तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं. एंड जैसा भी देख सकते हो मैं सोके उठी हूँ. आई नो मैं नहीं लग रही हूँ टीवी सीरियल की बहुओं की तरह रेडी होके ऐसे गेटअप ले लिया, नहीं मैं उठ गई थी, फ्रेश व्रेश हो गई हूँ, ब्रश व्रश कर लिया, तभी मैं चिंगम भी खा रही हूँ. एंड थोड़ा सा यस, क्योंकि बहुत अजीब चेहरा लगता है. ऐसा भी नहीं करना है कि यार बहुत अजीब लगे, तुम देख रहे हो और मैं बंदरिया सी बन के यहाँ बैठ गई हूँ गंदी सी शक्ल लेके, वो भी अच्छा नहीं लगता है. तो अभी मुझे ना बहुत गंदी, आज अभी सुबह के छः बजे मैं ये करने बैठी हूँ. अच्छा ठीक है, छोड़ दो इसे. बट मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है. और मेरे पास ना कल मैंने 1 किलो दूध ऑर्डर किया था, एंड उससे पहले आधा किलो दूध पहले लेके आए हुए थे हम लोग, मैं. बट वो दूध मैंने रात देखा ना, वो फट चुका था सारा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिज नहीं है और फ्रिज नहीं होने के चक्कर में दूध सारा फट गया था. तो कोई फायदा नहीं हुआ. अभी मुझे हो रही है चाय की बहुत गंदी लाइक क्रेविंग की मुझे चाय पीनी है. वैसे मैं कभी चाय नहीं पीती थी पहले, मतलब मना करती थी, और मैं चाय पीने लग गई हूँ सुबह शाम, पता नहीं किसी भी टाइम ऑफिस में भी चाय. हाँ ठीक है, ऐसे वाला है. तो अभी बस हम दूध लेने जा रहे हैं सुबह. और मैंने अपना रूम पूरा थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और इस रूम को मैं थोड़ा अभी और अच्छा होने के बाद, जैसे मुझे अभी ये चेयर पेंट करूँगी मैं आज अगर आज टाइम मिला तो, और ये वॉल भी पेंट करवाने के लिए बुलाना है. तो बहुत सारा काम है इस रूम में अभी. बढ़िया, अभी दूध लेने चलते हैं. सो जब मैंने रात कॉफ़ी खरीदी थी और वो कॉफ़ी पी नहीं, पता नहीं कितनी सारी बचा दी है, और यहीं साइड में रख दी. और ये प्लेट मेरे खाने की इसमें भी रखती है, इधर भी रखा है बोतल का कैप भी, और इससे पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे याद नहीं है, बट सब सामान ही रखा है. अभी ने किचन में रख देते हैं, लेट्स गो. मुझे मेरी सोसाइटी का ना सबसे बेस्ट एरिया लगता है, पेड़ रोड शांति पीस, बहुत प्यारा एरिया ये. और अभी हम दूध लेने निकले, ढूंढने निकले पहले तो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कहाँ मिलेगा. तब पता है यहाँ पे 2-3 शॉप है, पर इतने बजे कोई खुल रही है मैंने खुल रही, ये भी नहीं पता ना. यहाँ पे इतने सारे घर है मेरे घर के पास, मुझे पता ही नहीं था, ऐसा लग रहा है कभी निकलती नहीं थी जैसे घर से. तो अभी चलते जा रही हूँ, देखते हैं. ये दुकान मिल गई है बहुत दूर आके. एम्बुलेंस. मैं चलती थक गई हूँ, दूध नहीं मिल रहा है, वहाँ भी नहीं मिला, बोल रहा भी आया नहीं, बस आने वाला है. मैं जिधर रहती हूँ ना, वो पूरा सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर लग रहा है, कि सब गवर्नमेंट घर है यहाँ पर मेरा घर नहीं है, ये सब घर हैं. तो भाई मैं घर आ चुकी हूँ और बहुत थक गई हूँ, और ना तो मुझे दूध का पैकेट मिला, ना मुझे चाय मिली. मैंने सोचा अगर सुबह क्या पता बहुत सुबह चाय वाले कोनों में बैठे होते हैं रोड बोर्ड पे, वहाँ से चाय पी लेती हूँ, बट वो भी नहीं था, क्योंकि 6:30 हो गए थे अब तक मैं पहुँची थी, बट तब भी नहीं खुला था. एंड बहुत थक गई हूँ, और ज़्यादा जाने की हालत में मैं सुबह इतनी सुबह तो बिल्कुल नहीं मूड नहीं था, बट मैं जितना भी चल रही हूँ ना उतना थक गई हूँ. और पता है क्या हुआ, मैं अपनी सोसाइटी की एक गेट खुल रहा था मेन रोड से, मुझे लगा ये अंदर ही जा रहा है और मैं इसके अंदर चली जाती हूँ. मैं उसके अंदर घुसी और मैं कंफ्यूज, इतनी गलियाँ हम लाइक मैं किधर जाऊँ ये कन्फ्यूज़न. बट ये था कि हाँ मेरा घर इसके लाइक सीधे में है, सीधे, तो मैं कहीं भी इधर उधर नहीं मुड़ना है, मुझे सिर्फ सीधे जाना है. अगर रोड सीधे जा रही है तो मैं सीधे चलती गई और हम वहाँ पहुँचे जहाँ सबसे पहले हमने दुकान देखी थी. तो वहाँ पे गए, वहाँ पे मैंने पूछा तो उन्होंने पहले बता दिया था कि अभी तक दूध आया नहीं है, 7 बजे के लगभग दूध आ जाता है. और मेरी होशियारी, मैं किसी भी चीज़ पे जब लोकेशन डालती हूँ, डिलीवरी हो या वो मेरे खाने का कुछ हो या कुछ भी चीज़ हो, मैं क्या करती हूँ, क्या डालती हूँ, एक लैंडमार्क मदर डेयरी. मेरे घर के पड़ोस में सीधे में मदर डेयरी है,
दूध मिलता है, जो मुझे यहाँ के याद आया कि यार मदर डेरी नीचे ही थी और मैं दूध लाना भूल गई। मतलब मुझे यही याद नहीं आया कि इतनी दूर गई थी ये री। हम लोग दो चार घर छोड़ के से क्या नीचे सुबह सुबह फटफट करने आए थे, या तो कचरे वाली गाड़ी या ये सफाई या कुछ ना कुछ, पर रोज सुबह सुबह कुछ ना कुछ फट 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 होते ही रहता है। तो चलो अब बहुत हो गया, नहीं मिला दूध कोई बात नहीं, अब मैं होने जा रही हूँ रेडी, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना है, फिर हम वहां जाएंगे सीधे और यस भाई रेडी जाते हैं। तो अभी अभी मैं जस्ट उठी, फ्रेश फ्रेश हुई एंड आई एम बैक विद माई वर्क। और अभी मैं अपना फ़ोन क्लियर कर रही हूँ पूरा, क्योंकि इसकी स्टोरेज पूरी फिल हो चुकी है। तो मैंने सोचा है कि जितना भी चीज़ें हैं वो लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तो वही कर रही हूँ। और बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं रूटीन के बाद भी मच्छर आ जाते हैं, तो मेरे ना वीडियोस नहीं हो पाती है इस चक्कर में, क्योंकि पूरा फ़ोन भर जाता है तो इसमें, इसलिए तो देख रहे हो कि मैं काम ये कर रही हूँ और ये चल रहा है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे कैसे क्या करूँ, मतलब ये नहीं चल रहा है, ये चल रहा है लाइक दिस। मैं अपना जितना भी है सब रिमूव भी कर देती हूँ एंड या तो अभी मेरे रूम में पेंट का काम चल रहा है, पेंटर्स पेंट कर रहे हैं, तो इसने वो पेंट वेंट रखा है। और जल्दी मैं सबको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ दूंगी, जिसमें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आएंगे जिसकी वजह से, तो वो मैं बताऊंगी कल या परसों, एंड उस सब के हम शॉपिंग भी करेंगे साथ में। तो अभी हम ये वाला काम कर लेते हैं, फ़ोन खाली कर देती हूँ, नहीं तो तब तक के लिए बिल्कुल स्टोरेज नहीं बचेगी।